मैं हूँ सुमन रॉय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो सन इन अश्विनी नक्षत्र के ऊपर है। देखिए, सन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है जो कि आपके नेचुरल आत्मा कारक है, ठीक है, सोल सिग्निफिकेटर है। आपके पर्सनैलिटी को ये डिनोट करता है, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को डिनोट करता है, आपके सेल्फ वर्थ को डिनोट करता है, आपका जो भी यहाँ पे फादर है उनको डिनोट करेगा, फादर के साथ आपका कैसा रिलेशन है, या फिर अथॉरिटी बॉसेस के साथ आपका कैसा रिलेशन है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें हम सन से यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए, सन काफ़ी ज़्यादा, सन आपके क्रिएटिव स्किल को भी बहुत ज़्यादा डिनोट करता है, आपके चिल्ड्रन को भी बहुत ज़्यादा डिनोट करता है। तो देखिए, सन यहाँ पे जो भी नक्षत्र में प्लेस्ड है उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं पर्सन का जो पर्सनैलिटी है वो यहाँ पे ज़्यादा निखर के आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि मैं यहाँ पे अब जो बताऊँगी वो आपके फादर के साथ भी कहीं ना कहीं एसोसिएट करे, ठीक है। तो यहाँ पे सन हम मतलब हर एक नक्षत्र में कैसा रिजल्ट देता है उसके बारे में हम लोग आज डिटेल में जानेंगे। और पर यहाँ पे देखिए, वीडियोस ऐसा नहीं होगा कि मोनोटोनसली एक ही टाइप का वीडियोस मैं लाती रहूँगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मोनोटोनस मुझे फ़ील होता है और आप लोगों को भी देखने में भी वो एक मोनोटोनस फील हो सकता है, मतलब एक ही टाइप का अगर आए तो। बीच बीच में मैं कुछ भी और टॉपिक के ऊपर भी वीडियो ज़रूर लाऊँगी, ठीक है। पर उससे पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू द एस्ट्रो विद्यालय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि इस चैनल से रिलेटेड कोई भी वीडियोज़ आप मिस ना करें। और अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो अभी आप लोग डिस्क्रिप्शन सेक्शन में चले जाइए, वहां से आपको सब डिटेल्स मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे, देन एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को जो लोग एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हमेशा खुश रहिए, यही प्रार्थना के साथ डिस्कशन पर चलते हैं। अब देखिए, अगर सन आपके कुंडली में अश्विनी नक्षत्र में प्लेस्ड है, मतलब सन आपके कुंडली के मेष राशि में प्लेस्ड है, तो यहाँ पे मतलब सन एग्जॉल्टेशन साइन में चला गया, मतलब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल आपका सन का यहाँ पे साइन प्लेसमेंट हो गया है। पर आपके कुंडली में ये भी देखना होगा कि मेष राशि आपका कौन सा हाउस में पड़ रहा है, सन आपके कौन से हाउस का लॉर्ड है, क्योंकि सन उसके अकॉर्डिंग भी रिजल्ट देगा। और यहाँ पर अश्विनी में प्लेस्ड है, मतलब केतु के नक्षत्र में प्लेस्ड है, तो केतु का भी यहाँ पर हाउस प्लेसमेंट आपको चेक करना होगा और साइन प्लेसमेंट भी, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पे इतना कुछ चेक करने के बाद आप कुछ कंक्लूशन पे नहीं, उससे पहले आपको ये भी देखना होगा कि कौन से पदा में है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सन कहीं ना कहीं आपके करियर को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि मैंने इसको लेके भी डिस्कस किया था, जब सन इन नवांशा में मैंने डिस्कस किया था तो मैंने बोला था, ठीक है, तो आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, सन अगर अश्विनी नक्षत्र में प्लेस्ड है तो पर्सन का जो पर्सनैलिटी है उसमें बहुत ज़्यादा स्पॉन्टेनियस एक पर्सनैलिटी रहेगा, एक यूथफुल पर्सनैलिटी, चार्मिंग पर्सनैलिटी आप यहाँ पे देख पाओगे। यहाँ पे देखिए, पर्सन काफ़ी ज़्यादा करेजियस होंगे, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर के होंगे, क्योंकि यहाँ पे मेष राशि में प्लेस्ड है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पर्सन एम्बिशियस होंगे, अपने गोल को पाना चाहेंगे, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंपिटिटिव नेचर आप पर्सन के अंदर यहाँ पे देख पाओगे। यहाँ पे ये हो सकता है पर्सन कहीं ना कहीं उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी देखी जाएगी, और हमेशा एक फर्स्ट पोजीशन अचीव करना ये पर्सन चाहेंगे, ठीक है। ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, यहाँ पे देखिए, इनको ट्रैवल वगैरह या फिर कुछ भी फास्ट मूविंग व्हीकल्स वगैरह भी पसंद हो सकता है, मतलब कार रेसिंग का कुछ शौक हो सकता है, या फिर घोड़सवारी का भी कुछ शौक वगैरह यहाँ पे हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए, अश्विनी जो नक्षत्र है वो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं घोड़े से रिलेटेड है, तो इस नक्षत्र का जो सिंबल है वो घोड़े का सर है, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए ट्रैवलिंग वगैरह या फिर मूवमेंट इस नक्षत्र के साथ बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है। अब देखिए, इस नक्षत्र की जो डीटी है वो है अश्विनी कुमार, मतलब अश्विनी कुमार है, इनको हीलर के रूप में हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो पर्सन होंगे इनके पर्सनैलिटी में भी एक हीलिंग एट्रीब्यूट ज़रूर रहेगा, मतलब यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कुछ भी हीलिंग रिलेटेड थिंग्स में इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकता है, या फिर ऑकल्ट रिलेटेड स्टडीज़ में भी बहुत ज़्यादा इनका इंटरेस्ट हो सकता है। मतलब यहाँ पे देखिए, केतु के नक्षत्र में होने के कारण कोई भी रिसर्च ओरिएंटेड सब्जेक्ट में भी इनका इंटरेस्ट यहाँ पे देखा जा सकता है, या फिर इनके फादर के अंदर भी ये सब क्वालिटीज़ हो सकती है जो अभी तक मैंने बताया है।
अब देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं आप अगर करियर वाइज देखो तो ऐसा हो सकता है कि पर्सन यहाँ पे मिलिट्री में हो सकते हैं, आर्मी में हो सकते हैं, पुलिस में, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पर्सन इंजीनियरिंग में हो, स्पोर्ट्स में हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेडिकल प्रोफेशन भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट यहाँ पे बताता है, या फिर कोई भी ऑकल्ट रिलेटेड फील्ड में वो स्टडी करते हो, ये भी हो सकता है। पर यहाँ पे देखिए करियर के लिए भी आपका जो 10th हाउस है वो उसका लॉर्ड भी चेक करना ज़रूरी है, 11th हाउस का लॉर्ड, उसका नक्षत्र वगैरह भी देखना यहाँ पे ज़रूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे जो सन है वो काफ़ी ज़्यादा तो पावरफुल है ही। यहाँ पे पर्सन ऐसा हो सकता है कि बहुत अच्छे से ड्रेसअप वगैरह करते हो, ये हो सकता है, मतलब हमेशा खुद को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखते हो, ये हो सकता है। यहाँ पे देखिए मतलब उनको यहाँ पे सन कहीं ना कहीं आपके वाइटलिटी, आपके हेल्थ को भी डिनोट करता है, तो उनका यहाँ पे हेल्थ भी लगभग अच्छा ही रहेगा। मतलब यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि उनको फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह का काफ़ी ज़्यादा शौक हो सकता है, तो जिम वगैरह जाते होंगे। और अगर यहाँ पे ये लोग जिम नहीं करते हैं तो मैं कहूँगी कि आप लोग थोड़ा बहुत एक्सरसाइज में अपने आप को इन्वॉल्व रखिए, जो कि आपके लिए अच्छा रहेगा। मेडिटेशन वगैरह ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, इससे आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस तो वैसे भी आपके अंदर ज़रूर रहेगी, अगर यू नो एस्पेक्ट वगैरह बहुत अच्छा पड़ रहा है। पर कहीं ना कहीं आपके अंदर तो एम्प्टीनेस जो एक फीलिंग है वो भी आप ज़रूर फील करते होंगे, क्योंकि सन यहाँ पे केतु रूल्ड नक्षत्र में प्लेस्ड है, जो कि सन और केतु का जो कॉम्बिनेशन हम मानते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। तो इस वजह से ऐसा हो सकता है कि पर्सन के अंदर कहीं ना कहीं यू नो एक डिटैचमेंट वाला फीलिंग रहे, और एक कहीं ना कहीं डिटैच पर्सनैलिटी आप इसको समझ सकते हो। ऐसे पर्सन ये भी हो सकता है थोड़े से इम्पल्सिव हो सकते हैं, कोई भी काम बहुत ज़्यादा यू नो जोश में आके वो शुरू तो कर देते हैं पर उसको ख़त्म नहीं करते हैं, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा यू नो क्विकली कोई भी काम को ख़त्म करने में ये लोग ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस वजह से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी इनको फेस करना पड़ सकता है। इन लोगों का अगर केतु के नक्षत्र में स्पेशली है तो कोई भी रिसर्च ओरिएंटेड फील्ड इन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे देखिए केतु के नक्षत्र में होने के कारण कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ रिलेटेड कोई कनेक्शन भी यहाँ पे दिखाता है, मतलब आपके फादर के साथ भी यहाँ पे पास्ट लाइफ रिलेटेड कोई कर्मा यहाँ पे एसोसिएटेड हो सकता है। आपके फादर भी काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, या फिर हीलिंग से रिलेटेड कोई भी फील्ड में उनका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रह सकता है, ठीक है। तो ओवरऑल देखिए सन अगर आपके अश्विनी नक्षत्र में प्लेस्ड है तो आपके पर्सनालिटी में करेज बहुत ज़्यादा रहेगा, आप लोगों के अंदर साहस की कमी नहीं रहेगी। पर यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप लोग फादर से कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिटैच्ड फील कर सकते हो, या फिर फादर के साथ आपका जो रिलेशन है वो उसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स यहाँ पर आ सकता है। पर यहाँ पर देखिए और भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करता है, वो भी देखना ज़रूरी है। पर यहाँ पर देखिए अदरवाइज़ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अच्छा सन को माना जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आप कोई भी लाइफ में आपका गोल है वो अगर आप विथ पेशेंस उसको फॉलो करो तो यहाँ पे आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र भी फर्स्ट नंबर नक्षत्र है, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट यू नो केतु का जो एनर्जी है वो स्टार्ट होता है इस नक्षत्र में आके, तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगा ये, ठीक है। तो आज का जो डिस्कशन है वो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।